डिस्कस करेंगे एच एम पी बारे में एच एम पी जो है वो बेसिकली इसकी और जो नाम है वो फास्फेट पाथवे है या फास्फोग्लुकोनेट ग्लूकोनेट पाथवे है ये दो किस्म के जो है वो इस्तेमाल होते हैं इसके लिए नाम पेंटोज फास्फेट पाथवे या फास्फोग्लुकोनेट ग्लूकोनेट पाथवे तो जो एच एम पी पाथवे की इम्पोर्टेंस है एन ए डी पी एच टू प्रोड्यूस करता है और ये एन डी पी एच टू एक रिडक्टेंट है यानी रिड्यूस करता है मुख्तलिफ़ चीज़ों को तो एच एम पी के अंदर जो एन ए डी पी एच टू होता है वो रिडक्टेंट के तौर पर हमें हासिल होता है ये इसकी इम्पोर्टेंस है कि ये एन ए डी पी एच टू को प्रोड्यूस करता है अब ये जिस तरह के बहुत से और पाथवे हैं तो उनकी एक मखसूस जो है वो डेफिनेशन होती है तो इस पाथवे की कोई ख़ास डेफिनेशन नहीं है तो ये चूंकि इसकी कोई ख़ास डेफिनेशन नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत से बहुत सी ऐसे इंटरमीडिएट पैदा करता है जो कि दूसरे रिएक्शन में यूज़ होते हैं यानी कि बहुत से और कार्बोहाइड्रेट के जो मेटाबल बालिक प्रोसेस होते हैं उसमें इसके इंटरमीडिएट होते हैं और ये इस तरह नहीं है जिस तरह के ग्लूकोज जो है जब ब्रेक होता है तो उसका एंड प्रोडक्ट परवेट होता है तो ये कोई इस तरह का पाथवे नहीं है कि भाई ये जो ग्लूकोज सिक्स फास्फेट से हासिल हुआ और ये यानी कि स्ट्रेट पाथवे नहीं है इसको कहते हैं मल्टी जो है वो डायरेक्शनल पाथवे तो इससे जो है ना मुख्तलिफ किस्म की चीजें या इंटरमीडिएट बनती हैं जो कि आगे चले जाते हैं डिफरेंट जो है वो पाथवे के अंदर इसके जो है ना वो दो किस्म के इसमें रिएक्शंस होते हैं तो दो जो है इसमें इिवर्सीबल ऑक्सीडेटिव रिडक्शन रिएक्शन होते हैं जिसके बाद जो है फिर शुगर फास्फेट की आपस में इंटर कन्वर्जन होती है इसके यानी दो रिएक्शन जो होते हैं वो इिवर्सीबल होते हैं वो ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होते हैं बाकी जो है आ, शुगर फास्फेट आपस में कन्वर्ट होते हैं एक दूसरे में आ, चेंज होते हैं और ये होता कहाँ है एच एम पी शर्ट जो है वो एरिथ्रोसाइट्स के अंदर होता है लिवर के अंदर होता है टिश्यूज के अंदर होता है लेकिन मेमोरी ग्लैंड के अंदर होता है थायराइड के अंदर होता है कॉर्टेक्स के अंदर होता है टेस्टिस के अंदर होता है और ओवरी के अंदर होता है तो ये जो है वो जगह है जहाँ पे ये वाक़ है थैंक यू वेरी मच